अस्सलाम वालेकुम। आज पापा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब के एडमिशन ओपन हो गए हैं, जिनकी लास्ट डेट 26/10/2023 है। मैं उसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करूंगी आज। आप लोग मैट्रिक इंटरमीडिएट और अपनी पिक्चर के स्कैन करके तो वो मोबाइल या लैपटॉप में रख लें, क्योंकि वो अपलोड करना पड़ेगी। सबसे पहले आपने क्रोम पे जाना है। यहाँ पे आपने बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी लिखना है, तो ये इनकी वेबसाइट आ गई। वेबसाइट को ओपन करें। नेक्स्ट इसको क्रॉस कर दें और क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन पे कर दें। नेक्स्ट आपने जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो वहाँ क्लिक कर लें। मैंने BS मैथ सेलेक्ट किया है। यहाँ मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दूंगी। यहाँ मैंने ब्लर इस वजह से किया है क्योंकि वो मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मेल अकाउंट और सेल नंबर वगैरह। तो जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको आगे ये आएगा कि आप मेल अकाउंट एंटर करें अपना, और अपना सेल नंबर और फिर पासवर्ड वगैरह। मेल अकाउंट मैंने कल बता दिया था कैसे बनाना है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आप CNIC भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेल अकाउंट ज़्यादा बेहतर है, वो बाद में भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आप वो एक किस्म का ऑफिशियली हो जाएगा और आप लोग इसे बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। आईडी कार्ड हर जगह पर फिर इस तरह नहीं दिखा जाता। तो मेल पे मैंने अपना मेल अकाउंट लिखा है, फिर उसके बाद सेल नंबर लिखा है, फिर पासवर्ड एंटर कर दिया। पासवर्ड वही एंटर करना है मेल अकाउंट वाला। और फिर उसके बाद ये इस तरह फॉर्म ओपन हो गया था। ईमेल ऑलरेडी वो लिख दी थी उन्होंने, सेल नंबर भी लिख दिया था, फिर मैंने अपना नाम लिखा है। आप लोगों ने अपना नाम पूरा लिखना है, मतलब कि मैं समर इफ्तार में पूरा लिखूंगी अपना नाम, और फिर फादर्स के नाम भी मोहम्मद इफ्तार पूरा लिखूंगी। फादर्स नेम पूरा आप लोगों ने लिखना है, अपना नेम और अपने फादर्स का नेम। उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तान, CNIC ऐड कर ले, डेट ऑफ बर्थ जो आपके उस पे होगी बे फॉर्म पे, और अपना जेंडर सेलेक्ट करें। यहाँ पे पिक्चर वो लगाए, आप चूज फाइल पे जाके पिक्चर भी लगा लें। पिक्चर वो लगानी है आप लोगों ने जो आप के रिजल्ट कार्ड वगैरह पे होती है, क्योंकि ये जब ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है ना, तो वो डाटा हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी के पास रहता है, तो वो बार बार चेंज नहीं होती फिर। और यहाँ रख ली डोमिसाइल, पोस्टल सिटी अपना सेलेक्ट कर लें, और पोस्टल एड्रेस या आप लोगों के घर का एड्रेस होना चाहिए प्रॉपर। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। क्वालिफिकेशन जिस भी बोर्ड से आपने की है, लाहौर बोर्ड से की, मैंने लाहौर बोर्ड सेलेक्ट किया है, फिर मैट्रिक सेलेक्ट किया है, फिर इंस्टीट्यूट का नेम, और किस ईयर में की है, और कितने मार्क्स हैं और टोटल कितने हैं, और चूज फाइल। ये वो मैट्रिक का जो भी रिजल्ट कार्ड होगा जो स्कैन करके जो मैंने बोला कि आप लोग रख लें, तो वो उसकी पिक्चर यहाँ लगेगी। इसी तरह FSC के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर भी नीचे लगेगी।
यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स आएगा, और फिर टोटल मार्क्स, तो फिर सेव और सबमिट कर देना इसके बाद आप लोगों ने। और फिर कुछ इस तरह का आप लोगों के पास फॉर्म आ जाएगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन इस पेज पे आप लोगों के होगी, और उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना। फिर यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है आप लोगों ने चालान फॉर्म, और यही अपलोड करना है लॉग इन करके दोबारा, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। पंजाब बैंक में ये सबमिट होगा, 1,000 इसकी फी होगी, और अगर आप इवनिंग में अप्लाई करना चाहें तो उसकी 1,000 सेपरेट होगी।